माय यूट्यूब चैनल, मैं संजीव कुमार आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होती है। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मैथ से रिलेटेड हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग वाई बराबर एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स के द्वारा सूचित करते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ रियल नंबर एक्स, या इसको ऐसे बोलते हैं बॉक्स ऑफ रियल नंबर एक्स, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं इंटीजर मैकिंग मशीन। आप नॉर्मली अगर जनरली साधारण भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि यह एक इंटीजर बनाने वाला मशीन है। क्या है? इंटीजर बनाने वाला मशीन है, इसलिए लिखा गया है इंटीजर मैकिंग मशीन। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है ये बॉक्स एक्स बराबर। अगर ये पूर्णांक है एक्स तो डायरेक्ट निकल जाएगी, है ना। अगर एक्स पूर्णांक नहीं है तो जब एक्स पूर्णांक नहीं होगा तो एक आई पूर्णांक मुझे मिलेगा जो एक्स से क्या होगा, जस्ट छोटा होगा। क्या होगा? जस्ट छोटा होगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप इंटीजर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए इंटीजर क्या होता है। तो पूर्ण संख्या के परिवार में, किसके परिवार में? पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक को मिलाने से जो संख्या परिवार बनती है उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। देख लीजिए ये पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के परिवार में प्राकृत संख्या का ऋणात्मक रूप को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया, तो ये क्या बन जाती है? इंटीजर्स। तो देख लीजिए बॉक्स टू, टू क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा। माइनस थ्री क्या है? इंटीजर है, डायरेक्ट निकल जाएगी। जीरो क्या है? इंटीजर है, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो उसी प्रकार वन बाई टू, देखिए वन बाई टू इंटीजर नहीं है इसलिए वन बाई टू से जस्ट छोटा इंटीजर निकलेगा। जस्ट छोटा क्या होगा? जीरो निकल जाएगी। 2020 क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक है, इसीलिए डायरेक्ट 2020 निकल जाएगी। 2.9 इंटीजर है, नहीं है तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होगा? टू होगा। क्या होगा? टू होगा, तो टू निकलेगा यहाँ पर। अगला है 2.1 का बॉक्स क्या होगा? 2.1 इंटीजर नहीं है इसलिए इससे जस्ट छोटा 2 निकल जाएगा पूर्णांक इसका। 3.04 का क्या निकलेगा? जस्ट छोटा पूर्णांक, चूंकि ये नहीं है। देखिए पूर्णांक का मतलब था पूरा पूरा अंक होना चाहिए, ये पूरा पूरा अंक नहीं, 3 से ज़्यादा है और 4 से छोटा है। तो शॉर्ट में याद रखिएगा पूर्णांक का मतलब था पूरा पूरा अंक होना चाहिए, चाहे वो जीरो हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो ये इससे जस्ट छोटा 3 निकल जाएगा। -1.7 का देख लीजिए, माइनस वाला है, इससे जस्ट छोटा, ये चूंकि इंटीजर तो नहीं है लेकिन इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या होगा? -2 होगा। हाँ, फिर उसके बाद -2.1 का क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। तो नोट में हम लोग की बात समझेंगे, नोट में ये है कि आप क्या देख रहे हैं कि बॉक्स एक्स का जो मान है या तो डायरेक्ट इंटीजर रखने पर निकल जाती है, नहीं तो बॉक्स एक्स का मान इंटीजर नहीं रहने पर उससे जस्ट छोटा मान मिल रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बॉक्स एक्स का मान एक्स से छोटा या बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, याद रखिएगा इसको। चलिए 2/7 का क्या होगा? फिर जीरो हो जाएगी। 22/7 का मान 3 होता है तो इसका जस्ट छोटा क्या होगा? 3 हो जाएगा पूर्णांक। -22/7 का क्या हो जाएगा? इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा? -4। अब आपको बताना है कि ये डिफाइन कब कब हो सकती है बॉक्स, है ना। देखिए बॉक्स का मान जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो अगर इंटीजर रखेंगे तो जीरो निकल जाएगी। बॉक्स एक्स का मान नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि -2 इंटीजर है, रखेंगे तो -2 निकल जाएगा। बॉक्स एक्स का मान 1/2 होगा क्या? नहीं, 1/2 नहीं होगा, क्योंकि ये इंटीजर मैकिंग मशीन है, इंटीजर देने वाला मशीन है, तो ये कभी भी बॉक्स 1/2 को नहीं देगा, क्योंकि 1/2 इंटीजर नहीं है, इसलिए ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बॉक्स एक्स का मान -1/2 कभी भी नहीं हो सकती है। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए बॉक्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला है कि बॉक्स एक्स बराबर 2 है ना, तो बॉक्स एक्स बराबर 2 है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक्स का वैसे वैसे मान को बताइए ताकि उसका पूर्णांक मान 2 के बराबर हो जाए। तो देख लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है कि बॉक्स एक्स बराबर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 2 से बड़ा होगा एक्स या बराबर होगा, लेकिन उसमें एक जोड़ देंगे 3 से छोटा होगा। याद रखिएगा 2 रखेंगे तो डायरेक्ट 2 निकल जाएगा, और 3 से छोटा कोई भी मान रखेंगे हम लोग बॉक्स के अंदर तो उसका मान भी क्या होगा? 2 हो जाएगा। इसलिए इसका मान हम लोग लिखते हैं 2 से बड़ा या बराबर होगा एक्स और 3 से छोटा होगा। मतलब यूं समझ लीजिए कि अगला वाला में हमको एक जोड़ देना है जितना नंबर आएगा उसमें। चलिए इसका क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा या बराबर होगा एक्स लेकिन 1 से छोटा होगा, है ना, 0 में 1 जोड़ देंगे। चलिए अगला का क्या होगा? -1 से बड़ा या बराबर होगा x, उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0 से छोटा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? नो सोल्यूशन। क्यों?
क्योंकि आप जानते हैं कि बॉक्स एक्स का मान कभी भी इंटीजर को छोड़कर कोई भी नंबर नहीं आएगा, इसलिए ये क्या होगा, नो सोल्यूशन। इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा एक्स प्लस वन, ऐसा दिया हुआ है बॉक्स का मान थ्री है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लिख सकते हैं तीन से बड़ा या बराबर होगा एक्स प्लस वन और छोटा हो जाएगा फोर से, यहाँ से क्या होगा थ्री माइनस वन, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन माइनस वन लेस देन फोर माइनस वन, ये क्या हो जाएगा वन माइनस वन कैंसिल आउट, टू से बड़ा या बराबर होगा एक्स और छोटा हो जाएगा थ्री से, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, चूँकि यहाँ पर पूर्णांक आना चाहिए, ये पूर्णांक है नहीं। अब नोट में देखिए, अगर इस टाइप का लिखा रहे है ना, कि अगर मान लीजिए बॉक्स तीन बार चार बार या कई बार लगा हुआ है, तो इसका एक ही मान हम लोग बॉक्स का एक ही बार काउंट करेंगे, इसको ऐड करेंगे, है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ इनइक्वालिटी साइन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए बॉक्स एक्स बड़ा है दो से, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला कंडीशन में अगर बराबर नहीं रहेगा लगा हुआ, तो हम लोग बराबर लगा के एक जोड़ देते हैं, याद रखिएगा इसमें, तो क्या होगा एक्स बड़ा या बराबर होगा टू प्लस वन, देखिए टू में वन जोड़ दिए हैं, तो हो जाएगा एक्स बड़ा या बराबर होगा तीन के। छोटा वाला कंडीशन में डायरेक्ट निकल जाती है, बड़ा वाला कंडीशन में बराबर रहने पर डायरेक्ट निकल जाएगा। दो बात याद रखिएगा, छोटा वाला कंडीशन में, छोटे वाला कंडीशन में बराबर नहीं रहने पर डायरेक्ट मान निकल जाएगी, बड़ा वाला में बराबर रहने पर डायरेक्ट मान निकल जाएगा, बाद बाकी में हम लोग एक जोड़ के फेवरेबल कंडीशन को बनाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर बड़ा वाला है, बराबर लगा हुआ डायरेक्ट निकल जाएगा, यहाँ पर छोटा वाला में बराबर लगा हुआ है इसलिए एक जोड़ेंगे और बराबर को हटा देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स इज लेस देन फोर। यहाँ से देख लीजिए छोटा वाला कंडीशन है लेकिन बराबर लगा हुआ है, बराबर हटाएंगे एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्स का मान जीरो से छोटा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखिए ये बड़ा वाला कंडीशन है डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर छोटा में बराबर लगा हुआ है इसलिए एक जोड़ के बराबर को हटाना पड़ेगा, तब जाके बॉक्स टूट जाएगा। तो इसको ऐसे सोल्व करेंगे, जीरो से बड़ा या बराबर होगा बॉक्स टू एक्स प्लस वन, लेकिन लेस देन में बराबर लगा हुआ है तो इसको बराबर को हटाएंगे और एक हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ से हो जाएगा जीरो से बड़ा या बराबर होगा टू एक्स प्लस वन का बॉक्स लेस देन हो जाएगा एक सौ टू से। चलिए अब इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो से बड़ा या बराबर होगा टू एक्स प्लस वन और छोटा होगा एक सौ दो से, यहाँ पर वन एड है, वन सब्सट्रैक्ट कर लीजिए सब में, क्या हो जाएगा ऐसे टू एक्स प्लस वन माइनस वन लेस देन वन हंड्रेड टू माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस वन से बड़ा या बराबर होगा 2x, यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगी और लेस देन हो जाएगा 101 से। चलिए 2 यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में है, हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा माइनस वन बाई टू से बड़ा या बराबर होगा x, 2x बाई टू कर दीजिए और लेस देन होगा 101 बाई टू के, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या होगा माइनस वन बाई टू से बड़ा या बराबर होगा x और लेस देन होगा 101 बाई टू के, यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा वाला में बड़ा वाला कंडीशन है चूँकि, तो बराबर लगाना चाहिए, तो वन जोड़ के, है ना, वन जोड़ेंगे बराबर लगा देंगे। चलिए उसके बाद माइनस एक्स प्लस थ्री, यहाँ पर क्या करेंगे, छोटा वाला कंडीशन है, छोटा वाला कंडीशन में बराबर नहीं रहने पर बक्स खुलता है, बराबर लगा हुआ है तो क्या करेंगे बराबर हटा के एक जोड़ देंगे, तो यहाँ से बराबर हटाइए और एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा फोर से बड़ा या बराबर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस थ्री और लेस देन हो जाएगा 10 से, अभी डायरेक्ट खुल जाएगी, 4 से बड़ा या बराबर होगा माइनस एक्स प्लस थ्री और लेस देन हो जाएगा 10 से, इसमें 3 एड है, 3 को घटा लीजिए सब में से, 4 माइनस थ्री लेस देन और इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री लेस देन 10 माइनस थ्री, ये हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 से बड़ा या बराबर होगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा 7। चलिए माइनस से गुना कर देते हैं 1 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस वन, चिन्ह बदल जाएगी इनइक्वालिटी का, हो जाएगा एक्स और ऐसे साइन हो जाएगा, देख लीजिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस सेवन से बड़ा होगा एक्स लेकिन छोटा या बराबर होगा माइनस वन से, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए, तो चलिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि बॉक्स एक्स प्लस वन बड़ा या बराबर है वन बाई टू से, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, बॉक्स x प्लस वन बड़ा या बराबर हो जाएगा 1 से, चूंकि 1 बाई टू से जस्ट बड़ा जो है
पूर्णांक क्या होगा, 1 होगा। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, बड़ा वाला कंडीशन है डायरेक्ट खुल जाएगी, x प्लस 1 बड़ा या बराबर होगा 1 से, इसमें हम लोग प्लस 1 है माइनस 1 कर लीजिए दोनों साइड, क्या हो जाएगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा 1 में से 1 चला जाएगा, x बड़ा या बराबर हो जाएगा 0 से, यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स x छोटा या बराबर 1/3 से, तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या होता है 0 होता है, इसको लोग हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और देख लीजिए छोटा वाला कंडीशन में अगर बराबर लगा रहा था तो हम लोग बराबर को हटाते हैं और प्लस 1 जोड़ देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज लेस देन 0 प्लस 1, तो x हो जाएगा 1 से छोटा, यही क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू आंसर। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कुछ वैल्यू निकाल लीजिए, मान बॉक्स x बराबर अगर 0 है तो इसका मान कहाँ से होता है कहाँ तक, तो ये हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा। तो यहाँ पर ये y बराबर बॉक्स x है, तो y का जो वैल्यू है यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो x का मान कहाँ से कहाँ होगा, 0 से बड़ा या बराबर x होगा और 1 से छोटा होगा। चलिए एक ये वैल्यू मुझे मिल गया। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ ले लीजिए, चलिए y बराबर बॉक्स x बराबर ले लीजिए यहाँ पर 1, तो चलिए यहाँ से बॉक्स x का मान चूंकि 1 है तो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा, लेकिन y का मान कितना है 1 है, तो y बराबर अगर 1 है तो x का मान है 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा। चलिए सेकेंड ले लेते हैं y बराबर बॉक्स x बराबर 2, तो बॉक्स x का मान 2 है तो x का मान क्या हो जाएगा 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा, तो y का मान 2 है तो x का मान हो जाएगा 2 से बड़ा या बराबर x और 3 से लेस देन, ये मेरा पार्ट्स हो जाएगा। चलिए सेकेंड के बाद अगला नेक्स्ट ले लेते हैं हम, नेक्स्ट है y बराबर बॉक्स x बराबर हम ले लेते हैं माइनस 2, इसका मान हो जाएगा बॉक्स x और माइनस 2 का, माइनस 2 से बड़ा या बराबर होगा x और छोटा हो जाएगा माइनस 1 से, तो y का मान देख रहे हैं माइनस 2 है तो x का मान है माइनस 2 से बड़ा या बराबर है x और लेस देन है माइनस 1 से, ये वाला पार्ट्स। चलिए अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं इसी का। चलिए ले लीजिए ये x अक्ष है और ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है, ये हो जाएगा x डैश और ये हो जाएगा y डैश। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर सब प्लॉट कर दीजिए, -1, -2, -3, -4, -5 ऊपर भी हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 नीचे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। चलिए y का मान 0 है तो x का मान है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा, तो y का मान 0 इसी पॉइंट पे होगा देख रहे हैं, और x का मान है 0 के बराबर है लेकिन 1 से छोटा है, तो 0 के बराबर तो 0 को काउंट करेंगे और 1 से छोटा है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए हम लोग ओपन सर्किल देंगे, क्या देंगे यहाँ पर ओपन सर्किल, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 को काउंट नहीं कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट y का मान है 1 तो x का मान है 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा, तो y का मान 1 देखिए कहाँ पर है, y का मान 1 ऊपर में है तो x का मान क्या है 1 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा, यहाँ से 1 से, तो आप देख लीजिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ग्राफ को खींचेंगे ऐसे, यहाँ पर 2 को चूंकि काउंट नहीं करना है बराबर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर क्लोज सर्किल देंगे, सॉरी ओपन सर्किल देंगे। यहाँ है y बराबर 2, देख लीजिए y बराबर 2 कहाँ पर है ऊपर है ये, तो कहता है x का मान 2 से बड़ा या बराबर और 3 से छोटा है, यहाँ पर 2 और 3 के यहाँ पर ये वाला पार्ट्स हो जाएगी देख लीजिए इसका। अगला है y बराबर माइनस 2, देख लीजिए कहाँ पर y बराबर माइनस 2 यहाँ पर है, सॉरी y बराबर माइनस 2 नीचे है, तो इसका जो मान है वो x का है माइनस 2 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा, माइनस 1 से छोटा देख लीजिए, तो माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 से छोटा, ये वाला ग्राफ ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम y बराबर माइनस बॉक्स x बराबर माइनस 1 लेके हम लोग अगर बनाएंगे तो इसका मान हो जाएगा माइनस 1 और 0 के बीच, ऐसा ये वाला वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए यही किसका ग्राफ है, y बराबर बॉक्स x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, तो इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग
इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन है बॉक्स 3x4, जो बॉक्स 3x4 प्लस 1x100 प्लस बॉक्स 3x4 प्लस 2x100 जोर डॉट डॉट जोर बॉक्स 3x4 प्लस 99/100, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x4 बॉक्स जोर बॉक्स 3x4 प्लस 1/100 जोर डॉट डॉट बॉक्स 3x4 प्लस 24/100 जोर, यहाँ लिख सकते हैं बॉक्स 3x4 प्लस 25/100, इसको लिख सकते हैं बॉक्स जोर बॉक्स 3x4 प्लस 26/100। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक चलाएगा, यहाँ तक बॉक्स 3x4 प्लस 99/100। चलिए अब आप जानते हैं 3x4 का जो मान होता है बॉक्स कितना होता है, आप जानते हैं 0.75, ये होता है बॉक्स। इसका मान क्या हो जाएगा 0.76, इसका मान होगा 0.75 और इसका मान आ जाएगा y1 1/100 का कितना 0.01। उसी टाइप से इसको ऐड कर देंगे तो इतना हो जाएगा प्लस डॉट डॉट, इसका मान हो जाएगा 0.99 प्लस इसका मान हो जाएगा बॉक्स 1 हो जाएगा ये 0.75 होगा और इसका होगा 0.25, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका मान हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1.01 प्लस डॉट डॉट, इसका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर से 1.74। चलिए अब जानते हैं कि बॉक्स, देखिए ये इंटीजर नहीं है, बॉक्स में इंटीजर अगर नहीं होगा तो जीरो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 0.75 का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये कितना टाइम से, तो देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये होगा 25 टाइम्स है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 75 टाइम्स। तो चलिए इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो, इन सब का वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट क्या होगा इसका जीरो होगा। और ये 25 बार चूंकि आएगा तो 0 × 25 है ना प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस। और देख लीजिए इन सभी का ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट 1 होगा, 1 का 1 होगा, 1.01 का भी क्या होगा 1 होगा, और इसका भी क्या होगा 1 होगा। और ये आया कितना बार है 75 टाइम्स, तो यहाँ पर 1 को हम लोग 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 0 + 75 = 75, ये होगा इसका आंसर। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।